हेलो एंड वेलकम टू SPMIS एकेडमी। टुडे वी विल एनालाइज इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर आर्टिकल्स ऑफ 23rd June 2021। प्लीज नोट यू कैन डाउनलोड द PDF वर्जन ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द कमेंट सेक्शन। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड May 2021 मैगजीन फ्रॉम आवर वेबसाइट SPMISacademy.com। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप थ्रू द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन फॉर मोर स्टडी मटीरियल्स। This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about helicopter money. And this topic is important from our syllabus paper 4, Indian economy point of view. So, इस आर्टिकल को समझने के लिए थोड़ा सा हमें इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीखना होगा। तो ये ग्राफ आपने इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स में जरूर सीखा होगा। इसको मैक्रो इकोनॉमिक का सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ माना जाता है। तो देखिए, कोई भी इकोनॉमी चाहती है कि वो एक आइडियल रेट से ग्रो करे। फॉर एग्जांपल इंडियन इकोनॉमी की अगर बात की जाए तो इंडियन इकोनॉमी की आइडियल ग्रोथ रेट इज समवेयर क्लोज टू 8%। अगर हम 8% की रफ्तार से ग्रो कर रहे हैं हर साल तो माना जा रहा है कि हमारी इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है। लेकिन अगर हम 8% से हायर रेट से अगर ग्रो कर रहे हैं 9% 10%, तो वैसे सिनेरियो को कहा जाता है पॉजिटिव आउटपुट गैप। पॉजिटिव आउटपुट गैप मतलब व्हेन द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी इज हायर देन इट्स पोटेंशियल और एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट, तो उसको कहा जाता है पॉजिटिव आउटपुट गैप। इन जनरल व्हेन देयर इज पॉजिटिव आउटपुट गैप मतलब ग्रोथ रेट इज हायर देन एंटिसिपेटेड वन, तो उसके साथ साथ हाई ग्रोथ के साथ साथ हाई इन्फ्लेशन भी देखा जाता है। तो पॉजिटिव आउटपुट गैप के टाइम में ये एक प्रॉब्लम होती है हाई इन्फ्लेशन, और ये हाई इन्फ्लेशन लॉन्ग रन में हमारी इकोनॉमी को नेगेटिव इंपैक्ट पहुंचाता है और लॉन्ग रन में फिर हमारी ग्रोथ नीचे चली आती है। एंड दैट इज व्हाई दिस रेंज इज आल्सो नॉट ए डिजायरेबल। वी वांट टू मूव एट इन दिस रेंज समवेयर 8% ग्रोथ रेट, ताकि हमारा इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहे। वी डू नॉट वॉन्ट मच हाइयर पॉजिटिव आउटपुट गैप, बिकॉज पॉजिटिव आउटपुट गैप में इन जनरल हाई ग्रोथ रेट इज एसोसिएटेड विद हाई इन्फ्लेशन। And that is why when an economy is in this segment, the governments and the central banks, which is RBI in our case, adopts contractionary monetary policy approach या contractionary fiscal policy approach। जब सरकार contractionary approach अपनाती है तो उसको contractionary fiscal policy कहते हैं, और जब RBI अपनाती है तो उसको contractionary monetary policy कहते हैं। contractionary का सरल मतलब है कि इकोनॉमी से थोड़ा सा पैसा वापस निकाल लेना। थोड़ा पैसा निकालते ही होगा क्या कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा, लेकिन साथ ही साथ ग्रोथ को थोड़ा निगेटिव इंपैक्ट पहुंचेगा और ग्रोथ भी नीचे साइड में आएगा, एंड ग्रोथ विल कम टू दिस डिजायरेबल रेंज। उसके अलावा अगर हमारी इकोनॉमी इस साइड में है, इस कर्व को फॉलो कर रही है, यानी कि नेगेटिव आउटपुट जोन में है, नेगेटिव आउटपुट जोन मतलब द ग्रोथ रेट इज लोअर देन आवर डिजायर्ड और आइडियल ग्रोथ रेट, उसको कहा जाता है नेगेटिव आउटपुट गैप। इन जनरल नेगेटिव आउटपुट गैप में होता क्या कि लो ग्रोथ रेट तो होता ही है, साथ ही साथ लो इन्फ्लेशन भी होता है इन जनरल। लेकिन कभी कभार स्टैगफ्लेशन की भी सिचुएशन हो जाती है, जो करंट सिनेरियो में देखा जा रहा है हमारे इकोनॉमी में, कि ग्रोथ रेट भी कम है लेकिन इन्फ्लेशन भी हाइयर साइड में। इसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन, स्टैगनेंट इकोनॉमी बट हाइयर इन्फ्लेशन, इज नोन एज स्टैगफ्लेशन। तो इन जनरल जब निगेटिव आउटपुट गैप होता है तो एक्सपेंशनरी अप्रोच अपनाया जाता है। आरबीआई भी ज़्यादा पैसे खर्च करती है, ज़्यादा पैसे डालने की कोशिश करती है इकोनॉमी में, उसको कहते हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। और जब सरकार ज़्यादा पैसे डालने की कोशिश करती है इकोनॉमी के अंदर तो उसको कहते हैं एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। और माना जा सकता है कि हमारी इकोनॉमी अभी कहीं इस जोन में है, निगेटिव आउटपुट गैप में है। वो बात अलग है कि आइडियली हम इस जोन में ना होकर के, थोड़ा और डिफिकल्ट सिनेरियो है, बिकॉज वी आर फेसिंग स्टैगफ्लेशन, वी आर हैविंग लो ग्रोथ बट एट द सेम टाइम हाई इन्फ्लेशन। इस कारण से एक्सपेंशनरी अप्रोच लेने में भी खतरा है। आई होप ये बात आप समझ रहे होंगे। अगर आपने बेसिक इकोनॉमिक्स अच्छे से कर रखी है तो ये सारी बातें आपको समझ आ रही होंगी। अभी का सिनेरियो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है, अभी एक्सपेंशनरी अप्रोच लेने में भी दिक्कत है, क्योंकि जैसे पैसा डालेंगे ग्रोथ तो बाद में आएगा, इन्फ्लेशन और पिकअप कर जाएगा, और इन्फ्लेशन ऑलरेडी हमने देखा कि हाईअर साइड में चल रहा है, 6% से ऊपर चल रहा है CPI बेस्ड इन्फ्लेशन। तो देयर आर मल्टीपल चैलेंजेस बीइंग फेस्ड बाय इंडियन इकोनॉमी इन करंट सिनेरियो। अब एक्सपेंशनरी अप्रोच लेना है अगर हमें अपनी इकोनॉमी को ग्रो कराना है, तो ये एक बात तो तय है, और हमारी इकोनॉमी कहीं ना कहीं इस जोन में है, नेगेटिव आउटपुट गैप में है, एंड वी नीड टू हैव एक्सपेंशनरी अप्रोच। लेकिन एक्सपेंशनरी अप्रोच भी दो तरीके का हो सकता है, वो बात आपको समझनी है, डिमांड साइड एक्सपेंशनरी अप्रोच या सप्लाई साइड एक्सपेंशनरी अप्रोच। एक्सपेंशनरी अप्रोच का क्या मतलब है? पैसा डालना, इकोनॉमी में पैसा डालना। अब पैसा भी
सरकार या आरबीआई किसको दे रही है, प्रोड्यूसर्स को दे रही है या कंज्यूमर्स को दे रही है, उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि ये जो एक्सपेंशनरी अप्रोच है वो डिमांड साइड को बूस्ट कर रहा है या सप्लाई साइड को बूस्ट कर रहा है। देखिए इकोनॉमी के दो ही तो एस्पेक्ट होते हैं, डिमांड साइड या सप्लाई साइड। डिमांड मतलब हम आप सब जो कंज्यूमर हैं, जो कोई भी चीज़ कंज्यूम करते हैं, चाहे वो बेसिक पेन पेंसिल से लेकर के कोई बेसिक सर्विसेज हो, कोई भी चीज़ हो जो हम खरीदते हैं, तो हम डिमांड कर रहे हैं या कंज्यूम कर रहे हैं। सो वी कंज्यूमर्स क्रिएट द डिमांड साइड ऑफ द इकोनॉमी, और सप्लायर्स जो चीज़ें बनाते हैं वही पेन पेंसिल बनाने वाली कंपनियां, दे बिकम द सप्लायर और दे आर द सप्लाई साइड ऑफ द इकोनॉमी। एंड दोनों इंपॉर्टेंट है, सप्लाई साइड और डिमांड साइड, दे आर इंटरलिंक्ड। जब सप्लायर बनाएगा तभी तो हम डिमांड करेंगे या कंज्यूम करेंगे, और जब हम कंज्यूम करेंगे तभी तो सप्लायर बनाएगा। अब सवाल ये कि अगर इकोनॉमी को बूस्ट करना है तो एक्सपेंशनरी अप्रोच अपनाना है, जब हम यहाँ हैं तो एक्सपेंशनरी अप्रोच अपनाना है, लेकिन पैसा आखिर दिया जाए तो किसको दिया जाए, प्रोड्यूसर को दिया जाए या सप्लायर को दिया जाए, आई मीन कंज्यूमर को दिया जाए या प्रोड्यूसर को दिया जाए। क्योंकि मान लीजिए कि अंबानी को आप टाटा का एग्जाम्पल लीजिए, टाटा गाड़ियाँ बनाते हैं, कार्स बनाते हैं, अब अगर सरकार उनको पैसे दे रही है, ऐसा नहीं है कि पैसे डायरेक्ट जाकर के टाटा को देंगे कैश, लेकिन उनको पैसे देने का अलग अलग तरीका हो सकता है, उनके टैक्स में कटौती कर दे, तो अगर उनको पैसे दे रही है इनडायरेक्टली सरकार, तो उम्मीद की जा सकती है कि वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, और वो प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो उस केस में फिर और भी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उनको और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देनी होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो डिमांड भी बूस्ट होगा, और डिमांड बूस्ट होगा तो लोग कंज्यूम ज़्यादा करेंगे, कंज्यूम ज़्यादा करेंगे तो सप्लाई भी बूस्ट होगा। तो इस तरीके से दोनों जो पहिए हैं, दोनों जो बेस हैं हमारी इकोनॉमी का, वो मूव करेंगे। तो ये है तरीका सप्लायर्स को पैसा दे करके इकोनॉमी को मूव कराने का, कि सप्लायर्स को पैसा दिया जाएगा तो सप्लायर प्रोडक्शन को बूस्ट करने की कोशिश करेगा, जब प्रोडक्शन को बूस्ट करेगा तो उस प्रोसेस में वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देगा, जब एम्प्लॉयमेंट देगा तो लोगों के हाथ में नौकरियां आएंगी, जब नौकरियां आएंगी तो लोगों के पास पैसा आएगा तो पीपल विल बूस्ट द डिमांड साइड एज वेल। तो एक तरीका तो यह है कि सप्लायर्स को छूट दिया जाए, उससे डिमांड बूस्ट होगा, इससे फ़ायदा क्या है कि GDP में पिकअप आता है। लेकिन बहुत बार ये सिनेरियो सप्लायर्स को पैसा देने वाला जो फंड कॉन्सेप्ट है ऑफ एक्सपेंशनरी अप्रोच, इट डज नॉट वर्क। अगर इस करंट आर्टिकल की मानी जाए तो ये आर्टिकल यही कह रहा है, ये आर्टिकल कहता है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज जो पिछले साल भारत सरकार ने अनाउंस किया था पोस्ट कोविड, जो फर्स्ट फेज था कोविड का, उसके बाद इकोनॉमी में स्लोडाउन देखा गया था, उसके बाद भारत सरकार लेकर के आई थी आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज, लगभग 20 लाख करोड़ का इंसेंटिव था। लेकिन इसमें यही बताया गया कि ज़्यादातर जो आत्मनिर्भर भारत अभियान का पैकेज था ना, इट वॉज डायरेक्टली गिवन टू द प्रोड्यूसर साइड, MSMEs को छूट दी गई, अलग अलग तरीके के स्कीम्स लाए गए, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट जो है वो प्रोड्यूसर्स को दिए गए, ताकि प्रोड्यूसर्स अपना प्रोडक्शन बढ़ाएं और उस प्रोसेस में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, तो एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम भी अपने आप रिजॉल्व हो जाए। लेकिन इस आर्टिकल में बताया गया है कि प्रोड्यूसर्स को पैसा देने से कोई खास फायदा हाल फिलहाल में करंट सिनारियो में होने वाला है नहीं, क्योंकि सिनारियो इकोनॉमी का काफ़ी ग्लूमी है। प्रोड्यूसर्स को अगर आप टैक्स में छूट भी दे देते हैं, मान लीजिए टाटा को आप टैक्स में छूट भी दे देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो और ज़्यादा ज़्यादा गाड़ियाँ बनाने लगेंगे, क्यों, क्योंकि सिनेरियो ग्लूमी है, लोगों के हाथ में पैसा नहीं है इन जनरल, और इस कारण से डिमांड नहीं है, और इस कारण से टाटा भी टैक्स में छूट के बावजूद भी अपने प्रोडक्शन को नहीं बढ़ाएंगे। That is the idea that has been discussed here, कि ये इस आर्टिकल की मदद से सरकार को ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सर आप प्रोड्यूसर्स को पैसा ना दो, प्रोड्यूसर्स को छूट ना दो, सप्लाई साइड को बूस्ट करने से कैसा है कि डिमांड बूस्ट हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है, और आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज हैज बीन मेनली फोकसिंग ऑन द सप्लाई साइड एंड दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, स्टिमुलस टू द सप्लायर और द प्रोड्यूसर इज नॉट गोइंग टू वर्क, क्योंकि सर इन जनरल जो कंज्यूमर्स हैं, हम आप जो आम आदमी है, उसके जेब में पैसा नहीं है, और अगर पैसा है भी तो अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है कि पता नहीं कल नौकरी हो ना हो, क्या होगा आगे आने वाले 6 महीने में, 1 साल में, जो सेविंग्स है वो भी खत्म हो गए तो क्या करेंगे। इस कारण से आम आदमी बहुत सोच सोच के पैसा खर्च कर रहा है अभी के टाइम में कोविड सिनेरियो के बाद से, और ऐसे टाइम में प्रोड्यूसर्स के हाथ में पैसा देने के बावजूद भी प्रोड्यूसर्स को पता है कि अभी प्रोडक्शन बढ़ा के फायदा नहीं है, क्योंकि आम आदमी कंजम्पशन बढ़ाने के मोड में है नहीं। सो दैट इज वाई यू नीड टू अपग्रेड और यू नीड टू बूस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द कंज्यूमर्स, उनको पैसा देने की जरूरत है। प्रोड्यूसर्स को पैसा देने के बावजूद भी प्रोडक्शन में बूस्ट नहीं आएगा और ओवरऑल GDP में ग्रोथ नहीं आएगा। दिस इज वॉट द थीम ऑफ द आर्टिकल इज। और इसके बाद ये सब बातें बताने के बाद
करंट सिनेरियो डिस्कस किया गया है, जिसमें बताया गया है कि हमारे देश की जो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है, मतलब समझ लीजिए कि इंडस्ट्रीज की एक ऑर्गेनाइजेशन है, तमाम इंडस्ट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव से मिल करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है CII। इसका एक तरह का एक और ऑर्गेनाइजेशन इस तरह का जिसको फिक्की कहते हैं, जहाँ पे तमाम इंडस्ट्रीज जैसे कि बैंक इंडस्ट्रीज के लोग हो गए, ऑटोमोबाइल के हो गए, टेक्सटाइल के हो गए, उन लोगों ने मिल करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, एक ग्रुप बनाया है CII और फिक्की, जो सरकार को कुछ कुछ टाइम पे कुछ कुछ अपने ओपिनियंस देते रहते हैं रिगार्डिंग इकोनॉमी। तो यही CII ने हाल फिलहाल सरकार को ओपिनियन दिया है कि सर अभी जरूरत है कि आप लोगों को पैसे दें, और लोगों को पैसा दें, खासकर कंज्यूमर्स को पैसा दें, ताकि कंज्यूमर्स अपना डिमांड बूस्ट करें। जब अपने आप लोग ज्यादा ज्यादा खरीदने की कोशिश करेंगे, मोबाइल फोन ज्यादा खरीदेंगे, गाड़ियां ज्यादा खरीदेंगे, सीमेंट स्टील ज्यादा खरीदेंगे तो सप्लाई अपने आप बूस्ट हो जाएगा। तो ये CII ने सजेस्ट किया है भारत सरकार को कि सर हमें ज़रूरत है लोगों को ज़्यादा ज़्यादा पैसा देने की, लेकिन साथ ही साथ ये भी तय है कि सरकार के पास अभी पैसे की कमी है, क्योंकि कोविड के कारण टैक्स की कमाई में कमी आ चुकी है और खर्चे हेल्थ एक्सपेंडिचर्स बहुत बढ़ चुके हैं, तो सरकार के पास पैसों की कमी है। ऐसे सिनेरियो में क्या किया जा सकता है कि RBI कैन प्रिंट मोर मनी, RBI कैन प्रिंट मोर मनी एंड गिव इट टू द पीपल, दिस विल बी नोन एज फ्रेश फिस्कल स्टिमुलस। RBI शुड प्रिंट, ऐसा CII ने कहा है या सजेशन दिया है कि RBI शुड प्रिंट समवेयर अबाउट ₹3,00,000 crore मोर करेंसी एंड शुड डिस्ट्रीब्यूट इट टू द पीपल, एंड दिस इज नोन एज हेलीकॉप्टर मनी अप्रोच टू बूस्ट एन इकोनॉमी। ये हेलीकॉप्टर मनी का जो कॉन्सेप्ट है ये फ्राइडमैन ने दिया था US में, ज़्यादा किसने दिया था वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि जब इकोनॉमी में काफ़ी ग्लूमी सिनेरियो हो जाए, जब हम यहाँ फंसे हों मान लीजिए, और इकोनॉमी में बूस्ट लाना और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा हो एक्सपेंशनरी अप्रोच का, उस टाइम में हेलीकॉप्टर मनी का अप्रोच लिया जा सकता है। हेलीकॉप्टर मनी में क्या किया जा सकता है कि जो देश की सेंट्रल बैंक है वो और ज़्यादा नई करेंसी छाप करके लोगों में दे सकती है, और लोग फिर क्या करेंगे, कंज्यूमर्स क्या करेंगे उस पैसे को लेकर के, वो डिमांड ज़्यादा करेंगे। जब डिमांड ज़्यादा करेंगे तो अपने आप प्रोड्यूसर्स प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे और इकोनॉमी में बूस्ट आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट, ये सजेशन दिया है CII ने कि 3,00,000 crore नया करेंसी छापिए, इसी को कहा जाता है हेलीकॉप्टर मनी अप्रोच। ऐसा नहीं है कि सच में हेलीकॉप्टर में बैठ करके मोदी जी पैसे उड़ाने लगेंगे कि ये लो, ऐसा नहीं है, लेकिन मतलब मोर और लेस द सिनेरियो इज लाइक दिस कि द RBI विल प्रिंट मोर करेंसी एंड विल गिव इट टू द पीपल इन वन वे और द अदर। कई सारे तरीके हो सकते हैं, CII ने सजेस्ट भी किया कि कैसे पैसा देना है लोगों को, ऐसे हेलीकॉप्टर से नहीं उड़ाना है, देर आर डिफरेंट वेज ऑफ गिविंग मनी टू द पीपल। फ्यूल टैक्स में कटौती की जा सकती है, जैसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के कारण फ्यूल जो है वो फ्यूल के प्राइसेस जो है पेट्रोल डीजल के 100 रुपये से ऊपर जा चुके हैं, तो आप वहाँ पे टैक्स की कटौती कर दीजिए और आप RBI से नया नोट छाप करके ले लीजिए अपने एक्सपेंडिचर्स को मीट करने के लिए। सरकार को ऐसा सजेशन दिया है सबसे पहले। उसके अलावा कैश ट्रांसफ़र टू द हाउस होल्ड्स, उसको आप बढ़ा सकते हैं। तो कैश ट्रांसफ़र के कई सारे तरीके हैं, एक एग्जाम्पल हो गया जैसे हमें LPG सिलेंडर पे सब्सिडी मिलता है उज्ज्वला, वो सब्सिडी बढ़ाया जा सकता है। और भी कई तरीके हैं, अलग अलग हाउस होल्ड्स का जनधन अकाउंट पे पैसा डाला जा सकता है, जिनका भी जनधन अकाउंट खुला है। MGNREGA के अंतर्गत लोगों की मिनिमम वेजेज बढ़ाई जा सकती है, या नंबर ऑफ डेज जो 100 दिन का रोजगार उसको बढ़ाया जा सकता है, ताकि लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा जाए। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के MGNREGA जैसे नए नए तरीके अपनाए जा सकते हैं ताकि लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा जाए। कंज्यूमर्स के हाथ में जब पैसा जाएगा तो कंज्यूमर्स विल स्टार्ट कंज्यूमिंग मोर, दे विल स्टार्ट डिमांडिंग मोर एंड मोर मोबाइल फोन, मोर एंड मोर डिफरेंट जो भी गुटखा तंबाकू जो कुछ भी लोग खाते हैं अलग अलग लेवल पे, वो सब जब डिमांड बढ़ेगी तो अपने आप प्रोड्यूसर्स प्रोडक्शन बढ़ाएंगे और धीरे धीरे इकोनॉमी में बूस्ट आएगा। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ हेलीकॉप्टर मनी। आई होप इट इज क्लियर कि हेलीकॉप्टर मनी है, खाली फोटो इस तरह से मैंने दिखा रखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सच में सरकार हेलीकॉप्टर में बैठ के पैसे लुटाएगी। देर आर मल्टीपल वेज थ्रू विच मनी कुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पीपल। हेलीकॉप्टर मनी से फायदे क्या क्या हैं? तो हेलीकॉप्टर मनी से सबसे बड़ा फायदा होगा कि सरकार को बोरो नहीं करना होगा इकोनॉमी से। देखिए इससे होता क्या, देखिए इकोनॉमी से बोरो करने से होता क्या, नॉर्मली सरकार करती क्या है, नॉर्मली सरकार किस तरह से अपना बजट मीट करती है? नॉर्मली तो नया करेंसी छापा नहीं जाता है, नॉर्मली नया करेंसी छापा जाता है, नॉर्मली नया करेंसी बजट रिक्वायरमेंट के लिए छापा नहीं जाता है। नया करेंसी हर साल छापते हैं, आप सोचेंगे कि सर आप ये क्या कह रहे हो, हर साल तो हम नए नए नोट देखते हैं अपने हाथ में। समझिए मेरी बात को, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ,
बजट रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए नई करेंसी नहीं छापी जाती है। आरबीआई नई करेंसी, नया नोट नहीं छापता है बजट रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए। सरकार को पैसों की जरूरत है तो सरकार क्या करेगी, इकोनॉमी से बोरो करेगी। यहाँ इकोनॉमी में प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स हैं, बैंक्स हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे सरकार बोरो करेगी और बोरो करके अपने बजट रिक्वायरमेंट को मीट करेगी। और बजट रिक्वायरमेंट में क्या होता है, सरकार बोरो करती है फिर उस पैसे को इकोनॉमी में ही डालती है। सो नॉर्मली ये तरीका होता है, नॉर्मली द गवर्नमेंट बोरोज फ्रॉम द इकोनॉमी एंड स्पेंड्स बैक इन द इकोनॉमी। और नॉर्मली द गवर्नमेंट डज नॉट आस्क आरबीआई टू प्रिंट फ्रेश करेंसी। यहाँ पे आपके मन में सवाल उठ सकता है कि सर हर साल आरबीआई तो करेंसी छापती है क्योंकि हमारे हाथ में हर साल नए नए नोट आते हैं, 2020 का बना हुआ, 2021 का बना हुआ। तो इस बात को ध्यान से समझिए, आरबीआई सरकार के बजट को मीट करने के लिए नई करेंसी नहीं छापती है कभी भी, लेकिन हाँ हर साल जिस रफ्तार से जीडीपी बढ़ रहा है उस हिसाब से आरबीआई करेंसी सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए करेंसी नई जरूर छापती है। प्लस जो पुरानी करेंसी खराब हो चुकी है, म्यूटिलेटेड हो गई, उसको रिप्लेस करने के लिए नई करेंसी छापती है। आप इमेजिन कीजिए सिनेरियो कि जीडीपी बढ़ता जा रहा है, मतलब कि गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन बढ़ते जा रहे हैं, और अगर आरबीआई करेंसी ना बढ़ाए, उस हिसाब से सर्कुलेशन ना बढ़ाए, तो चीज़ों के दाम घटने लगेंगे कि नहीं घटने लगेंगे, देयर विल बी डिफ्लेशन और नॉट, क्योंकि मार्केट में पैसा उतना ही है, करेंसी उतना ही है, और सामान बढ़ने लगे, गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ने लगे, तो फिर दिक्कतें क्या होंगी कि लोगों के हाथ में रिलेटिवली पैसा कम हो जाएगा, देर विल बी अ डिफ्लेशनरी सिनेरियो, जो आरबीआई होने नहीं देना चाहता है। एंड दैट इज वाई जिस हिसाब से जीडीपी बढ़ता है उस हिसाब से आरबीआई थोड़ा बहुत करेंसी छापता रहता है, लेकिन सरकार के बजट को मीट करने के लिए आरबीआई नई करेंसी नहीं छापता है। सरकार अपने बजट को मीट करने के लिए इकोनॉमी से ही बोरो करती है। अब हेलीकॉप्टर मनी से फायदा क्या होगा कि सरकार को इकोनॉमी से बोरो नहीं करना होगा, सरकार को पैसा मिल जाएगा और इससे जो प्राइवेट सेक्टर है उसका क्राउड आउट नहीं होगा। तो क्राउड आउट क्या चीज़ होती है, देखिए अब इकोनॉमी में तो ये इकोनॉमी है, इकोनॉमी में गिना चुना ही पैसा है, अगर ज़्यादा ज़्यादा पैसा सरकार बोरो करने लगेगी अपने बजट को मीट करने के लिए, तो नेचुरली जो इकोनॉमी के जो पैसा देने वाले लोग हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो ज़्यादा ज़्यादा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदेंगे, वो प्राइवेट सेक्टर के बॉन्ड्स खरीदेंगे नहीं, प्राइवेट सेक्टर के शेयर में पैसा लगाएंगे नहीं, तो प्राइवेट सेक्टर के लिए पैसा कम बचेगा इफ़ गवर्नमेंट बोरोज मोर एंड मोर फ्रॉम द इकोनॉमी। सो हेलीकॉप्टर मनी से फ़ायदा क्या हुआ कि सरकार को इकोनॉमी से बोरो नहीं करना पड़ा, क्योंकि जब सरकार इकोनॉमी से बोरो करती है तो प्राइवेट सेक्टर गेट्स क्राउडेड आउट। क्राउडेड आउट मतलब द प्राइवेट सेक्टर गेट्स लेसर फंड फॉर बोरोइंग फ्रॉम द इकोनॉमी, और उस केस में प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता है, ग्रो नहीं कर पाता है। तो जो पैसा प्राइवेट सेक्टर ले करके ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करके इंप्लॉयमेंट जनरेट कर सकता था, जीडीपी ला सकता था, उस पैसे को अगर सरकार ने बोरो कर लिया तो दैट इज नोन एज क्राउड आउट इफेक्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। तो कम से कम हेलीकॉप्टर मनी से यह फायदा होगा कि सरकार को इकोनॉमी से बोरो नहीं करना होगा, सरकार को पैसा मिल जाएगा, फ्रेश प्रिंटेड करेंसी मिल जाएगा आरबीआई से, और इससे फिर क्राउड आउट इफेक्ट नहीं होगा प्राइवेट सेक्टर पे। उसके अलावा इट विल नॉट क्रिएट अननेसेसरी डेट ऑन द गवर्नमेंट, सरकार के ऊपर कोई एक्स्ट्रा लोन भी नहीं बढ़ेगा। अदरवाइज इकोनॉमी से बोरो करते हैं, आरबीआई से बोरो करते हैं, तो सरकार के ऊपर लोन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। उसके अलावा होगा क्या, देखिए इट विल इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड इमीडिएटली। देखिए अगर इकोनॉमी से बोरो करके वापस इकोनॉमी में पैसा डालती है सरकार, तो कोई एक्स्ट्रा मनी तो डाला नहीं, तो ये एक तरह से बहुत मेजर एक्सपेंशनरी पॉलिसी नहीं हुआ भाई। इकोनॉमी से आपने 1,00,000 करोड़ बोरो किया और वापस 1,00,000 करोड़ इकोनॉमी में ही डाल दिया अलग अलग सेक्टर्स में, सो टेक्निकली आपने कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं डाला, सो इट इज़ नॉट ए मेजर एक्सपेंशनरी पॉलिसी। लेकिन जब आप आरबीआई से फ्रेश प्रिंटेड करेंसी लेकर के और इकोनॉमी में डालते हैं, तो दैट इज अ फ्रेश करेंसी एडेड टू द इकोनॉमी एंड दैट हैज एन इमीडिएट इंपैक्ट ऑन एग्रीगेट डिमांड। लोगों के हाथ में नया पैसा आता है, अदरवाइज पहले में केस में कैसा है, लोगों के हाथ से पैसा गया वापस इकोनॉमी में आया, बट इन दिस पर्टिकुलर केस देयर विल बी फ्रेश करेंसी एडेड टू द इकोनॉमी एंड दैट विल हैव सडन इंपैक्ट ऑन एग्रीगेट डिमांड एंड दिस विल बूस्ट द इकोनॉमी इमीडिएटली। लेकिन हेलीकॉप्टर मनी कर इतना अच्छा है तो फिर हर साल यही करना चाहिए, आपके मन में सवाल उठना चाहिए। जब भी मैं बेसिक इकोनॉमी की क्लास लेता हूं तो स्टूडेंट्स यही पूछते हैं यहां पे कि सर इतना अच्छा है तो हर बार यही करो, जब पैसे की दिक्कत हो तो नया नोट छाप दो और इकोनॉमी में बांट दो, अपने आप लोग ज़्यादा ज़्यादा डिमांड करेंगे तो ज़्यादा ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, दिक्कत कहाँ है भाई। दिक्कत ये है कि हेलीकॉप्टर मनी से होता क्या है कि नया करेंसी ऐड हुआ इकोनॉमी के अंदर, और ज़्यादा करेंसी ऐड होने से देयर इज ऑलवेज थ्रेट ऑफ ओवर इन्फ्लेशन,
भाई इकोनॉमी में सामान उतना ही बना है, उतने ही मोबाइल फ़ोन, उतने ही लैपटॉप, उतनी ही गाड़ियाँ, उतने ही सीमेंट, उतने ही स्टील, सब उतना ही बना है, और आपने नोट एक्स्ट्रा ऐड कर दिया इकोनॉमी के अंदर, तो सब आदमी के जेब में ज़्यादा पैसा आ गया, तो एवरीवन विल डिमांड मोर। लेकिन भाई गुड्स एंड सर्विसेज तो उतने ही हैं, तो नेचुरली चीज़ों के दाम बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, दैट लीड्स टू ओवर इन्फ्लेशन, और ओवर इन्फ्लेशन से लॉन्ग रन में इकोनॉमी को नुकसान पहुंचता है, इकोनॉमी का जो करेंसी है उसमें लोगों का कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, उसके फॉरेन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स को काफ़ी नुकसान हो जाता है ओवर इन्फ्लेशन से। उसके अलावा बहुत ज़्यादा करेंसी ऐड करने से होता क्या है, इट लीड्स टू डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी इन एक्सचेंज मार्केट। आपको पता है कि एक्सचेंज मार्केट में डिमांड सप्लाई से किसी भी करेंसी का वैल्यू डिटरमाइन होता है इन जनरल, कि भाई ओवरऑल डॉलर कितना है इंटरनेशनल मार्केट में और कितना रुपया, उसके बेसिस पर डिटरमाइन होता है कि एक डॉलर बराबर 70 रुपया। अगर आप और ज़्यादा रुपया ऐड करने लगेंगे In order to bring fiscal stimulus, you will resort to helicopter money. Then what will happen? There will be more and more rupee in the economy, global economy, and in that case, rupee will weaken. It will become 80 rupees per dollar, 90 rupees per dollar, and in that case, the foreign investors will lose confidence in your currency. They will go away, and your economy will lose FDI. So there are multiple challenges also associated with helicopter money, and that is why in general governments do not want to resort to the helicopter money approach. इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन यूपीएससी 2006, तो आने वाले एग्जाम में एपीएससी में पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे मुझे ये भी बताना आप लोग कि क्या आपको ये बात पूरी तरह से समझ आई कि नहीं आई, क्योंकि ये आर्टिकल थोड़ा टेक्निकल था, मैंने कई सारे टेक्निकल टर्म्स का भी इस्तेमाल किया है, फिजिकल स्टिमुलस एंड क्राउड आउट। तो मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार लिख के बताओ कि ये टॉपिक आपको समझ आया कि नहीं आया, खासकर वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी बेसिक इकोनॉमिक्स क्लासेस कर रखी हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स समझते हैं, उनको तो कम से कम ये आर्टिकल समझ आना चाहिए। जिन्होंने नहीं कर रखा है वो भी मुझे बताओ कि क्या मैं आपको समझा पाया कि नहीं पाया। द नेक्स्ट आर्टिकल टेकन फ्रॉम इंटरनेशनल सेगमेंट, इट इज अबाउट सॉफ्ट पावर, वेयर वी विल डू कंपैरिजन ऑफ इंडिया एंड चाइना सॉफ्ट पावर, एंड द आइडियाज डिस्कस्ड इन दिस आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस पेपर 3 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू और पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन स्टूडेंट्स के लिए भी ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि पावर क्या चीज़ होती है और उसके क्या अलग अलग डायमेंशन होते हैं, सॉफ्ट पावर एंड हार्ड पावर क्या होते हैं ये दोनों समझते हैं पहले। देखिए पावर का एक जनरल सा डेफिनेशन है, ये आप सब मानते होंगे कि पावर इज़ एन एबिलिटी ऑफ एन इंटरनेशनल एक्टर, इंटरनेशनल एक्टर मतलब कोई कंट्री या ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ एन एबिलिटी ऑफ एन इंटरनेशनल एक्टर टू इन्फ्लुएंस अदर एक्टर्स इन ए वे टू टर्न आउटकम इन द फेवरेबल मैनर फॉर वन सेल्फ। ये एक टेक्निकल डेफिनेशन है, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन स्टूडेंट्स के बहुत काम आएगा इसको रट लोगे तो मतलब पावर सरल शब्दों में कहें तो ये आपकी एबिलिटी है बाकियों को इन्फ्लुएंस करने की ताकि वो आपके हिसाब से काम करें, यही बात लिखी हुई है यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल तरीके से। तो पावर का तो यही मतलब है कि भाई आप दूसरे को अपने मन मुताबिक काम करवा दे, दैट इज पावर। अब ट्रेडिशनली पावर का मतलब समझा जाता है दैट इट इज़ ए कोहर्सिव या फोर्सफुल मेथड, कि पावर मतलब थोड़ा ना थोड़ा तो ज़बरदस्ती ही होगा, किसी को डरा धमका करके या किसी को मजबूर करके इकोनॉमिक सैंक्शन लगा करके आप उनसे अपना काम करवाएं, दैट वाज द ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ पावर। और बाद में 1990s में एक पॉलिटिकल थिंकर आए जोसेफ नाई, उन्होंने कहा कि देखो पावर का इस्तेमाल करने का और भी तरीका हो सकता है, डरा धमका करके काम कराना, किसी को मजबूर करके काम कराना, दैट शुड बी नोन एज हार्ड पावर, फोर्सफुल या कोअर्सिव मेथड शुड बी नोन एज हार्ड पावर, बट देयर आर अदर वेज ऑल्सो नोन एज सॉफ्ट पावर वेयर यू इन्फ्लुएंस द अदर पार्टी टू एक्ट इन द वे यू वॉन्ट देम टू। देखिए एक तो तरीका है सामने वाले को मजबूर करके काम कराना, दूसरा सामने वाले को इम्प्रेस कर दिया आपने, बिल्कुल आपने इतना इंप्रेस कर दिया सामने वाले को, इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर दिया कि आप जिस तरह से काम कराना चाह रहे हैं वो वैसे कर रहा है, लेकिन हाँ ये सॉफ्ट पावर होगा क्योंकि इसमें ये काफ़ी सटल तरीके से काम करेगा, ये आप डायरेक्टली सामने वाले को बोल नहीं सकते कि आपको ऐसा करना है, लेकिन धीरे 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 करके आप सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करके भी अपना काम करा सकते हैं। तो जोसेफ नाई एक पॉलिटिकल थिंकर ने यूएस के 1990 में उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया सॉफ्ट पावर का, ही सेड दैट सॉफ्ट पावर इज एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स बाय अट्रैक्टिंग अदर्स बाय बिल्डिंग गुड इमेज और थ्रू कल्चरल एंड सोशल वैल्यूज। तो सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर अलग अलग चीज़ें होती हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में। किसी देश का इमेज जब अच्छा होता है बाकी दूसरे देशों के लोगों के ऊपर, तो फिर वो देश अपने आप अपना काम करवा लेता है, अपने फेवरेबल फॉरेन पॉलिसी बनवा लेता है विदाउट फोर्सिंग द अदर कंट्री।
हार्ड पावर का तो एग्जांपल आपको कई सारे मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल यूएस ने जो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा रखा है ईरान के ऊपर, दैट इज डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ हार्ड पावर, कि इससे अगर कोई भी ट्रेड करेगा तो हम उसके साथ ट्रेड नहीं करेंगे। इस कारण से ईरान की इकोनॉमी क्रम्बल कर रही है, दैट इज डायरेक्ट हार्ड पावर, इट इज कोहर्सिव एंड फोर्सफुल अप्रोच। सॉफ्ट पावर क्या हो सकता है? देखिए सॉफ्ट पावर का एग्जांपल हो सकता है कि हमारे जैसे इंटरनेशनल योगा डे पे मैंने बात की कि इंटरनेशनल योगा डे इज एन अटेम्प्ट ऑफ इंडिया टू इंक्रीज इट्स सॉफ्ट पावर। जब पूरी दुनिया भर में लोग योगा प्रैक्टिस करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर लोगों की इंटरेस्ट भी आएगी कि अच्छा योगा ओरिजिनली किस देश को बिलोंग करता है, तो अच्छा इंडिया को बिलोंग करता है। तो योगा के बारे में और पढ़ेंगे तो कहेंगे अच्छा इंडिया हैज़ बीन ए लैंड ऑफ योगा, योगा इतनी बड़ी कल्चरल ट्रेजर है पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, तो इंडिया की कहीं ना कहीं इमेज अच्छी होगी। इंडिया की इमेज पहले ख़राब कर रखी थी ब्रिटिशर्स ने कि इंडिया इज़ द लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स, खाली यहाँ पे बीन बजाने वाले लोग रहते हैं। लेकिन अब हमारी सरकार उसको अच्छा करने की कोशिश कर रही है। तो आपने सुन रखा होगा ना इंडिया इज़ द लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स, ऐसा ब्रिटिशर्स ने पूरे दुनिया भर में हमारी इमेज खराब कर रखी थी, यहाँ के लोग गवार हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं और इनको कुछ भी नहीं आता, दे आर नॉन साइंटिफिक, जब उन्होंने ये बात फैलाई कि इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ स्नेक चार्मर। लेकिन अब योगा फैला करके हम क्या बताएंगे कि वी आर ए कंट्री ऑफ हैविंग ट्रेजर ऑफ नॉलेज राइट सिंस द एंशियंट टाइम। तो योगा कुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ प्रमोटिंग इंडियाज सॉफ्ट पावर। अब ये आर्टिकल पे आते हैं, आई होप सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर क्या है वो आपको क्लियर हो चुका है। अब आते हैं करंट आर्टिकल पे। ये करंट आर्टिकल लिखा है कांति वाजपेयी ने, ये नाम आपको याद रखना है अगर आप पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के स्टूडेंट हैं। कांति वाजपेयी ने एक बुक लिखी है इंडिया वर्सेस चाइना, व्हाई दे आर नॉट फ्रेंड्स। ये बुक का नाम भी आपको याद रखना जब भी आप कांति वाजपेयी को कोट कर रहे हो तो। और इस आर्टिकल में कांति वाजपेयी ने क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, कांति वाजपेयी ने कहा है कि देखो चाइना का हार्ड पावर इंडिया से तो ज़्यादा है ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इट इज़ वेल नोन दैट चाइना हैज़ हार्ड पावर एडवांटेज ओवर इंडिया, लेकिन व्हाट वी इंडियंस थिंक कि हमारा सॉफ्ट पावर इज मोर देन चाइना, दैट मीन्स वी आर मोर अट्रैक्टिव देन चाइना, दैट मीन्स वी हैव मोर सॉफ्ट पावर देन चाइना, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है, द नंबर्स शो अदरवाइज, फैक्ट कुछ और ही है। ऐसा कांति वाजपेयी कह रहे हैं कि चाइना के पास सॉफ्ट पावर में भी एडवांटेज है ओवर इंडिया। हम सोचते क्या है वो अलग बात है, लेकिन हमारा चाइना के का सॉफ्ट पावर में भी चाइना हमसे आगे है, ऐसा कांति वाजपेयी कहते हैं। और फिर वो एक प्रॉपर कंपैरिजन करके दिखाते हैं। देखिए सॉफ्ट पावर को मेजर कर पाना तो वैसे डिफिकल्ट है, ये बात होता है। हार्ड पावर को तो आप मेजर कर सकते हैं आराम से, किसके पास कितना न्यूक्लियर वेपन है, किसके पास कितनी बड़ी आर्म फोर्सेज है, वैसे तो हार्ड पावर आप मेजर कर सकते हैं, बट सॉफ्ट पावर को मेजर करना डिफिकल्ट है। तो यहाँ पे कांति वाजपेयी ने कोट किया है ऑस्ट्रेलिया के एक इंस्टीट्यूट लोवी इंस्टीट्यूट को, जो सॉफ्ट पावर मेजर करने में के डायरेक्शन में काम कर रही है पूरे दुनिया भर में। तो इस इंस्टीट्यूट का भी नाम याद रखना अगर सॉफ्ट पावर पर सवाल आ जाए तो, खासकर पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन स्टूडेंट्स। लोवी इंस्टीट्यूट ऑफ ऑस्ट्रेलिया हैज प्रोड्यूस्ड वेरियस मेजर्स टू काउंट सॉफ्ट पावर। उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स लिए गए हैं सॉफ्ट पावर को काउंट करने के लिए, जिसमें सबसे पहला फैक्टर है फॉरेन पॉलिसी इन्फ्लुएंस, कि भाई अगर आप कोई फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं, अगर कोई भी देश फॉरेन पॉलिसी बनाता है तो इससे दुनिया के बाकी कितने देशों पर इन्फ्लुएंस पहुँचता है, इम्पैक्ट पहुँचता है। तो फॉरेन पॉलिसी इन्फ्लुएंस में इंडिया रैंक्स 6th अमंगस्ट एशिया, वाइल चाइना रैंक्स 1st फॉरेन पॉलिसी इन्फ्लुएंस में। तो अगर चाइना कोई भी फॉरेन पॉलिसी बनाती है तो पूरी दुनिया उसको क्लोजली वॉच करती है, जबकि इंडिया अगर कोई फॉरेन पॉलिसी बनाता है तो द वर्ल्ड इज नॉट दैट मच इंटरेस्टेड। ये पहला पॉइंट का मतलब यही है फॉरेन पॉलिसी इन्फ्लुएंस का। तो इंडिया इज रैंक्ड एट 6th इन एशिया, वाइल चाइना इज रैंक्ड 1st। उसके अलावा डिप्लोमेटिक नेटवर्क्स, दिस इज ऑल्सो एन इंडिकेटर ऑफ आवर सॉफ्ट पावर, डिप्लोमेटिक नेटवर्क, कि कहाँ कहाँ पे हमारी एम्बेसीज हैं पूरे दुनिया भर में। तो अगर एम्बेसीज की बात की जाए तो इंडिया के पूरे दुनिया भर में बस 126 एम्बेसीज हैं, जबकि चाइना के 176 एम्बेसीज हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ज़्यादा एम्बेसी है मतलब ज़्यादा कल्चरल इंटरेक्शन है चाइना का दुनिया भर में, दैट इज एन इंडिकेटर दैट चाइना हैज़ बेटर सॉफ्ट पावर और मोर सॉफ्ट पावर एज कम्पेयर टू इंडिया। उसके अलावा कल्चरल इन्फ्लुएंस की अगर बात की जाए कि दुनिया भर में कल्चर के किस देश का कल्चर का ज़्यादा इम्पैक्ट है पूरे दुनिया भर में, तो उसमें भी अगर बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू लोवी इंस्टीट्यूट सबसे ऊपर है यूएस, उसका कल्चरल इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा है। चौथे नंबर पे है चाइना, जबकि इनफैक्ट चौथे नंबर पे इंडिया है, जबकि चाइना इज एट सेकेंड प्लेस। तो कल्चरल इन्फ्लुएंस मेजर करने के क्या क्या तरीके हैं,
कल्चरल इन्फ्लुएंस मेजर करने के लिए कुछ इंडिकेटर्स लिए गए हैं, जैसे कि आपके देश में कितने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, कितने टूरिस्ट आते हैं आपके देश में हर साल। तो अगर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात की जाए तो इंडिया के अंदर टोटल 37 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, जबकि चाइना के अंदर 53 हैं। अगर टूरिस्ट की बात की जाए तो 2017 का डाटा कोट किया गया है कि इंडिया के अंदर 5 मिलियन टूरिस्ट आए थे, जबकि चाइना के अंदर 40 मिलियन टूरिस्ट आए थे इन 2017। तो टूरिस्ट कितने आते हैं हमारे देश में, वो कहीं ना कहीं एक इंडिकेटर है कि हमारे कल्चर में कितने लोगों को इंटरेस्ट है पूरे दुनिया भर में। और अगर चाइना के अंदर इतने सारे टूरिस्ट जा रहे हैं, मतलब नेचुरली चाइना हैज मोर कल्चरल इन्फ्लुएंस अक्रॉस द वर्ल्ड। सो इन सारे फैक्टर्स, ये तीन मेन कारण है, फॉरेन पॉलिसी इन्फ्लुएंस, उसमें रैंकिंग में हम चाइना से पीछे हैं, डिप्लोमेटिक नेटवर्क में हम चाइना से पीछे हैं, कल्चरल इन्फ्लुएंस में हम चाइना से पीछे हैं। दिस इज अकॉर्डिंग टू लोवी इंस्टीट्यूट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। उसके अलावा दुनिया की एक और ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, दुनिया की इंटरनेशनल एनजीओ पोर्टलैंड कम्युनिकेशन, जो दुनिया भर में टॉप 30 कंट्रीज की रैंकिंग पब्लिश करती है सॉफ्ट पावर की। और ये जो सॉफ्ट पावर 30 रिपोर्ट है पब्लिश बाय पोर्टलैंड कम्युनिकेशन, इट इज ऑल्सो सपोर्टेड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो सॉफ्ट पावर 30 रिपोर्ट, ये भी आपको कोट करना है अपने आंसर में, पब्लिश बाय पोर्टलैंड कम्युनिकेशन इन एसोसिएशन विथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसके हिसाब से जो टॉप की कंट्रीज़ हैं वो यूके हैं, फ्रांस हैं, देखिए 2019 में सबसे ऊपर में यूके था, बाद में फ्रांस उससे आगे निकल गया। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, सारी रैंकिंग याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको इतना कोट करना है कि पोर्टलैंड कम्युनिकेशन के सॉफ्ट पावर 30 रिपोर्ट के टॉप 30 में चाइना मेक्स अ प्लेस, चाइना इज प्लेस्ड एट 30 विथ सॉफ्ट पावर स्कोर ऑफ 40, लेकिन इंडिया टॉप 30 में भी अपना पोजीशन नहीं बना पाता है। सो अकॉर्डिंग टू सॉफ्ट पावर 30 रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय पोर्टलैंड कम्युनिकेशन, चाइना फाइंड्स अ प्लेस इन टॉप 30 व्हाइल इंडिया डज नॉट। दिस इज अगेन एन इंडिकेटर दैट चाइना सॉफ्ट पावर इज मोर इन्फ्लुएंशियल एज कंपेयर्ड टू इंडिया सॉफ्ट पावर। तो हम सोचते कुछ और हैं, हमें लगता है कि चाइना के पास बस हार्ड पावर है, सॉफ्ट पावर नहीं है। लेकिन कांति वाजपेयी, हु इज अ वेल नोन इंटरनेशनल अफेयर एनालिस्ट, ही कोट्स डाटाज टू प्रूव अदरवाइज। और फिर वो कंक्लूजन भी इस तरह का लिखते हैं, तो आप ये कंक्लूजन याद कर लो और कांति वाजपेयी को कोट कर पाओ तो आपको पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में बेहतर नंबर मिलेंगे। व्हाट कांति वाजपेयी राइट्स कि चाइना इवोक्स एन ऑ व्हाइल इंडिया इवोक्स साइलेंस। चाइना की बात करते आज के टाइम में पूरे दुनिया भर में एक कहीं ना कहीं एक उनके लिए रेस्पेक्ट जगता है, जबकि इंडिया के लिए वो बात नहीं है। दिस इज द फैक्ट, ऐसा कांति वाजपेयी कहते हैं। क्लासिकल इंडिया में स्टैंड हेड टू हेड विथ क्लासिकल चाइना, मतलब अगर पुराने कल्चरल सिग्निफिकेंस की बात की जाए, मतलब बिफोर क्राइस्ट वाले टाइम की बात की जाए, तो हमारे कल्चर या चाइना के कल्चर में बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं। वी स्टैंड हेड टू हेड, क्लासिकल इंडिया में स्टैंड हेड टू हेड विथ चाइना इन रिगार्ड्स इट गार्नर्स, बट कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया हैज़ बीन लेफ्ट अ डिस्टेंस बिहाइंड। अगर मॉडर्न टाइम्स में चाइना की बात की जाए और इंडिया की बात की जाए तो बहुत अंतर आ गया है। चाइना और इंडिया के बीच में भी चाइना इवोक्स एन ऑ व्हाइल इंडिया इवोक्स साइलेंस। वी हैव टू रिकॉग्नाइज दिस फैक्ट फॉर सम मीनिंगफुल प्रोग्रेस। अगर हम अपना सॉफ्ट पावर इंक्रीज करना है तो हमें पहले इस बात को आइडेंटिफाई करना होगा कि चाइना इज अहेड ऑफ अस। खाली ये ट्रम्पेट पीटने से नहीं होगा कि हम डेमोक्रेटिक हैं, हमारे यहाँ योगा होता है, हमारे यहाँ बॉलीवुड है, हमारे इंडियन क्विजींस बहुत पॉपुलर है, तो हम सॉफ्ट पावर बहुत अच्छा है। इट्स जस्ट ईगो सेटिस्फैक्शन, बट द फैक्ट्स डाटा से अदरवाइज अकॉर्डिंग टू कांति वाजपेयी। इस पर सवाल किस तरह का आ सकता है, जीएस में भी आ सकता है, पॉलिटिकल साइंस में भी आ सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्ट पावर, कंपेयर इंडिया सॉफ्ट पावर विथ रिस्पेक्ट टू चाइना। उसके अलावा सॉफ्ट पावर पे मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड करूंगा कि शशि थरूर जी का एक वीडियो पड़ा हुआ है टेड टॉक्स का यूट्यूब पे, शशि थरूर व्हाई नेशंस शुड परस्यू सॉफ्ट पावर, ये लगभग 17-18 मिनट का वीडियो है, ये जरूर आप देखिए। इससे आपको सॉफ्ट पावर के बारे में और ज़्यादा समझने को मिलेगा और ये भी जानने को मिलेगा कि इंडिया क्या कर सकता है अपने सॉफ्ट पावर को फर्दर इंक्रीज करने के लिए। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम असम सेगमेंट, इट इज अबाउट अंबुबाची मेला। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस पेपर 6 कल्चर ऑफ असम। तो देखिए ये अंबुबाची मेला और अंबुबाची महायज्ञ के बारे में मैं बता तो रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है, चूंकि आज के आर्टिकल में आया है तो इसलिए मैं कवर कर रहा हूँ, बट मुझे पता है कि इसके बारे में आपको मुझसे ज़्यादा पता होगा। तो जो कुछ भी मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ
उसके ऊपर और भी अगर आप कुछ वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं तो आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, ताकि मुझे भी कुछ पता चले इस कल्चर के बारे में और बाकी लोग भी थोड़ा इनलाइटेंड हों। तो इस आर्टिकल के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, देखिए, सेकेंड वेव ऑफ कोविड के कारण अंबुबाची महायज्ञ जो हर साल होता है कामाख्या टेम्पल में, अंबुबाची महायज्ञ वो इस साल भी कराया जाएगा, लेकिन बस बेसिक रिचुअल्स के साथ, कोई बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं होंगी, बस बेसिक रिचुअल्स के साथ अंबुबाची महायज्ञ इस साल कराया जाएगा। अंबुबाची महायज्ञ 4 दिन का रिचुअल होता है, उसमें जो शक्ति पीठ है, जो मेन जो डीटी जहाँ पे पूजा की जाती है, उसको लाल कपड़े से कवर किया जाता है। 4 दिन के लिए इनको कवर रखा जाता है, 4 दिन बाद वो कवर को निकाला जाता है लाल कपड़े को और बांट दिया जाता है एज प्रसाद अमंगस्ट पीपल। अब ये जो इस बार जो 4 दिनों का पीरियड है वो होगा 22 जून से लेकर के 26 जून। ये जो प्रोसेस है दैट विल एंड एट 2:29 AM ऑन 26th जून। इसको कहा जाएगा निवृत्ति। तो हर साल ये जो अंबुबाची महायज्ञ होता है, इसके साथ साथ अंबुबाची मेला भी होता है जिसमें लोग गैदर होते हैं और काफ़ी सेलिब्रेशन होता है, लेकिन इस साल कोविड के कारण अंबुबाची मेला हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ। अंबुबाची मेला के बारे में भी समझ लेते हैं, आई नो कि आपको इसके बारे में पता है, बट फिर भी थोड़ा सा समझते हैं और कैसे आंसर में लिख सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी ज़रा देखते हैं। अंबुबाची मेला सिंबलाइजेस द फर्टिलिटी कल्ट ऑफ गॉडेस कामाख्या। There is no idol in the temple. The goddess is worshipped in the form of yoni like stone over which natural spring flows. The festival is also known as Mahakumbh of the East. अब अंबुबाची फेस्टिवल का सोशल सिग्निफिकेंस समझिए। देखिए, मेंस्ट्रुएशन, विमेन के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल या जिसको पीरियड्स भी कहते हैं, ये एक टैबू माना जाता है इन जनरल अगर आप नॉर्थ इंडिया में चले जाए तो, लेकिन असम सोसाइटी के अंदर मेंस्ट्रुएशन या पीरियड को टैबू नहीं माना जाता है। ये एक बहुत बड़ा सोशल सिग्निफिकेंस है अंबुबाची मेला का। क्यों? क्योंकि अंबुबाची मेला में गॉडेस कामाख्या के पीरियड या मेंस्ट्रुएशन को ही सेलिब्रेट किया जाता है। दैट इज वाई द टैबू एसोसिएटेड विद मेंस्ट्रुएशन इज लेस और आई मे से इज नॉट इन असम एज कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो इसको आपको अपने एसे में लिखना है कि क्यों असमीज सोसाइटी थोड़ी सी प्रोग्रेसिव है, क्यों विमेन को एक बेटर स्टेटस है इन असमीज सोसाइटी एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द इंडिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो उनके बेसिक डिफरेंस है, बेसिक जो आप कहिए बायोलॉजिकल डिफरेंस है फ्रॉम देयर मेन काउंटर पार्ट, उसको सेलिब्रेट किया जाता है, उसके लिए एक प्रॉपर फेस्टिवल है, कल्चर है अंबुबाची मेला। द अटेनमेंट ऑफ वुमेनहुड ऑफ गर्ल्स इन असम इज सेलिब्रेटेड व्हेन दे स्टार्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल। इट इज सेलिब्रेटेड इन असम, इट इज नोन एज तुलोनी बिया मीनिंग स्मॉल वेडिंग। अंबुबाची मेला सर्व्स एज एन ओकेजन टू प्रमोट अवेयरनेस ऑन मेंस्ट्रुएशन हाइजीन एज वेल। So this is the significance, social and cultural significance of Ambubachi Mela, and this has impact on Assamese society also. This is why Assamese society is more progressive, more liberal as with respect to women rights. आप देखेंगे तो बहुत अंतर मिल जाएगा Assamese society में और बाकी खासकर North India की society में as far as position of women is concerned. The next article is taken from Assam segment again. It is about Northeastern Space Application Center to control flood. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam issues point of view. तो current news देखते हैं, current news काफ़ी छोटा सा है। हमारे चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा साहब ने कहा है कि वो अब स्पेस टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करेंगे फ्लड प्रोसेस, फ्लड मिटिगेशन प्रोसेस के लिए। फ्लड के टाइम में जो राहत कार्य पहुंचाया जाता है उसके लिए स्पेस टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाएगा, और इसके लिए द गवर्नमेंट ऑफ असम इज इन टच विथ नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। तो चूंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर न्यूज में आ चुका है तो इसके बारे में समझ लेते हैं, हो सकता है एपीएससी में पूछ ले। नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2000, इट इज अ रीजनल स्पेस सेंटर, इट वॉज जॉइंटली डेवलप्ड बाई डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस विच वर्क्स अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। तो दोनों ने मिल करके, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने मिलकर के नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर बनाया है। इसका सेंटर जो है वो शिलोंग के अंदर है, इस तरह ये शिलोंग के अंदर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर की बिल्डिंग भी आप देख सकते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एक्सपेडाइट द यूजेस ऑफ रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी टू डिस्कवर नेचुरल मिनरल्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। लेकिन अब जो स्पेस इमेजेस निकालती है या नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, उसका इस्तेमाल किया जाएगा राहत कार्य पहुँचाने में भी, फ्लड रिलीफ पहुंचाने में भी ड्यूरिंग द फ्लड सीजन। कहाँ पे फ्लड आया है उसकी इमेज निकाली जाएगी और जहाँ पे ज़्यादा फ्लड होगा उस हिसाब से रिलीफ मेजर्स को प्रोसेस किया जाएगा। कैसे इसका आंसर राइटिंग में इस्तेमाल करें?
मेंस में अगर फ्लड पे सवाल आ जाता है कि फ्लड प्रिपेयरनेस के लिए हमारी सरकार क्या क्या करती है, तो वहां पे अब आप लिख सकते हैं कि द स्पेस टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो बींग यूज टू मिटिगेट फ्लड इंपैक्ट। रिसेंटली आसाम गवर्नमेंट अनाउंस दैट इट विल वर्क इन कोलैबोरेशन विद नॉर्थ ईस्ट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर फॉर फ्लड रिलीफ मेजर्स। ये आप मेंस में लिखना कि स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा और फ्लड रिलीफ मेजर्स के लिए। पीटी में आपसे हमेशा इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है रिगार्डिंग नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, किसने बनाया या फिर इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इस तरह का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। इन आवर सेगमेंट मोस्ट प्रोबेबल प्रीलिम्स टॉपिक्स फॉर अपकमिंग यूपीएससी टुडे विल कवर टॉपिक नंबर 341 टू 345। टॉपिक नंबर 341 इज अबाउट बुडापेस्ट कन्वेंशन ऑन साइबर सिक्योरिटी। इट इज फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी सीकिंग टू एड्रेस इंटरनेट एंड कंप्यूटर क्राइम बाय हार्मोनाइजिंग नेशनल लॉज, इंप्रूविंग इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक्स एंड इंक्रीजिंग कोऑपरेशन अमंगस्ट नेशन। द कन्वेंशन इज सोल लीगली बाइंडिंग मल्टीलेटरल ट्रीटी बट इंडिया हैज नॉट साइंड दिस कन्वेंशन सो फार। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 341। टॉपिक नंबर 342 इज अबाउट इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट एम्स एट स्ट्रेंथनिंग रीजनल कॉपरेशन विद द 10 विद द इंडियन ओशन रीजन कंट्रीज। तो टोटल 22 मेंबर कंट्रीज हैं इसके। ये सब के सब जो ग्रीन कलर से हमने रिप्रेजेंट किए हैं, दे आर मेंबर ऑफ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। आप देखिए इंडियन ओशन के लॉन्ग ये सारे मेंबर कंट्रीज हैं ऑफ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। उसके अलावा इसके 10 डायलॉग पार्टनर्स भी हैं जैसे चाइना, यूएस, जो लाइट ग्रीन कलर से हमने रिप्रेजेंट कर रखा है, यूके, फ्रांस वगैरह। तो All sovereign countries of the Indian Ocean Rim are eligible for membership of the association. To become member, the country must sign the charter of Indian Ocean Rim Association. Currently, इसके जो chairmanship है, it is with UAE from 2019 to 2021. दो साल की chairmanship होगी, it is with UAE. उसके बाद बांग्लादेश को इसकी chairmanship मिलेगी of Indian Ocean Rim Association. Please attempt this question. Question topic number 342. Topic number 343 is about Codex Alimentarius. It is a food code which has been jointly developed by FAO and WHO, which is a standard guidelines and codes practice adopted in order to promote fair practices in food trade in order to protect consumer health. Please attempt this question based on topic number 343. Topic number 344 is about United Nations Security Council. तो आपको पता है कि United Nations Security Council के अंदर total 10 non-permanent member होते हैं। हर साल 5 non-permanent members के seat के लिए election होता है। इस साल India elect हुआ है 2 सालों के लिए 2021 से 2022 तक। This will be 8th term that India will be enjoying at UNSC as a non-permanent member. A country needs to secure a vote of 2/3 of the members present and voting of the General Assembly session to get elected to UNSC. Please attempt this question based on topic number 344. Topic number 345 is about United Nations Transport Internex Routier. It aims to facilitate seamless movement of goods within and amongst the parties of the convention. It is an international transit system under the auspices of United Nations Economic Commission for Europe to facilitate seamless movement of goods within and amongst the parties to the convention. The TIR system is not only covers custom transit by road but also combination with road, जैसा कि road और railway का combination हो, road या waterway का combination हो, तो उसको भी cover किया जाता है under United Nations Transport Internex Routiers. Please attempt this question based on topic number 345. This is the answer of question number 336 to 340 that we are given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We'll be sending answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने practice question दिया था उसका answer देख लेते हैं. Most of the Assam coal deposits are of lignite type. Absolutely correct. Assam coal deposit belongs to Gondwana is no, this is wrong. This Assam coal deposit belongs to tertiary. So the correct answer is option A, one only. Which are the following state of India has highest proven coal reserve? Correct answer is option B, Jharkhand. National Drug Psychotropic Substance Act, the amendment was brought for better medical access drugs, and the 2014 amendment will bring the essential narcotic drugs under center's control and remove a state barrier. Both statements are correct. So the correct answer will be option C, both. That's all from our side for today. Thanks for watching.